अब बात यह है कि जब आप मार्केट में जाते हो और कोई जूते पहन ही नहीं रहे, तो ऐसे सिचुएशंस, सॉरी नहीं नहीं यार, सॉरी, कोई बात नहीं यार, इसके लिए फंडिंग नहीं आती है, तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं शायद जॉब ढूंढना शुरू करूंगा और जब मौका मिले तो वापस शुरू करने की कोशिश करूंगा। Shark Tank is not just about funding, it is also about perspective. Yes. है ना? I have an open offer for you for a job. An entrepreneur जो होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि वो गिर के खड़ा होता है. You are down but not out, my friend. Yeah. Good work. So I've been in those shoes. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपको शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 की सबसे इमोशनल कर देने वाली पिच के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 ने सीजन का सबसे इमोशनल एपिसोड प्रसारित किया जब गणेश बालकृष्णन ने अपने वेंचर फ्लैटहेड शूज के लिए पिच किया। यह स्टार्टअप अर्बन वर्किंग लोगों के लिए 1,000 रुपए से 5,000 रुपए की रेंज में ऑल डे कैजुअल जूते बनाता है। बालकृष्णन ने महामारी से ठीक पहले 2019 में फ्लैटहेड शूज की शुरुआत की थी। एक साल से भी कम समय में कंपनी का मुश्किल वक्त आ गया क्योंकि कोई ग्राहक नहीं था। शो में बालकृष्णन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह कंपनी नहीं चला सकते, वह इसके लिए सक्षम है। बात यह है कि जब आप बाजार में कदम रखते हैं और 4 महीने तक कोई भी जूते नहीं पहनता है क्योंकि कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसी स्थितियां एक जनरेशन में एक बार आती हैं। जिस समय बालकृष्णन के एपिसोड की शूटिंग हो रही थी उस समय उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर थी। उन्होंने शो पर कहा कि उन्होंने पिछले 2 महीनों में कंपनी को बचाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से 35 लाख रुपए का निवेश किया है। उनके सह संस्थापक उत्कर्ष बिरादर, जिन्होंने जूते डिजाइन करने में मदद की, ने भी इतनी ही राशि का निवेश किया। बिरादर 2022 में स्टार्टअप से बाहर हो गए लेकिन अभी भी 30% इक्विटी रखते हैं। शो से मिली डील को किया इनकार। अपनी बढ़ती परेशानियों के बावजूद बालकृष्णन ने शो में मिली एकमात्र डील को इनकार कर दिया। शार्क्स पीयूष बंसल और विनीता सिंह कंपनी में 33.3% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपए की पेशकश की ऑफर में कंपनी की वैल्यू 2.25 रुपए करोड़ है, लेकिन बालकृष्णन ने इसे नहीं लिया। बालकृष्णन के संघर्ष और हिम्मत ने सभी जजों को इमोशनल कर दिया। शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल ने उन्हें नौकरी की पेशकश की लेकिन शो में उन्होंने इस ऑफर को नहीं लिया। शो के बाद मिली पब्लिसिटी। बालकृष्णन की शो में पिच को सभी ने पसंद किया। लोगों को बालकृष्णन की मेहनत में सच्चाई दिखी। शायद इसलिए ही इस एपिसोड के प्रसारित होने के कुछ ही समय बाद फ्लैटहेड्स शूज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें पर्याप्त ऑर्डर मिले कि भारत में इसकी इन्वेंटरी लगभग बिक गई। बालकृष्णन ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर साझा किया कि उन्होंने भारत में अपनी इन्वेंटरी को लगभग बेच दिया है, इसलिए अभी उनकी वेबसाइट पर लोगों को अपना साइज नहीं मिल रहा है। बालकृष्णन शादीशुदा हैं और उनकी 10 साल की एक बेटी है। वर्तमान में उनकी घरेलू आय उनकी पत्नी मैनेज करती हैं। उनकी पत्नी एक जर्मन कंपनी के साथ काम कर रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो आगे भी आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगर वीडियो में। धन्यवाद।